कराची से पूछती हैं सवाल, कहती हैं जी क्या औरतें शौहर के लिए खूबसूरती की खातिर ज़ेब ज़ीनत ज़र इख्तियार करने का जो है वो उसकी खातिर बाल कटवा सकती हैं जबकि वो पर्दे का अहतमाम करती हैं यूजली आम लाइफ? जी, बाल कटवाने का मसला कई दफ़ा बयान हुआ है तो उसको भी समझ लिया जाए, और साथ में उन्होंने जो फरमाया कि खूबसूरती के लिए, तो उसको मैं फिर बाद में समझा देता हूँ। तो बाल जो कटवाना है वो उसमें इतना है कि अगर कंधों से नीचे हैं उस औरतों के बाल तो नीचे वाले बाल जो हैं उनको कटवाने की गुंजाइश। तो बाकी ये है कि बिल्कुल इस तरह जैसे मर्दों के मुख्तलिफ अंदाज़ होते हैं बाल काटने के, इस तरह से बाल का कटवाना जायज़ नहीं है, और बहुत छोटे करवाना जैसे आजकल कंधे से भी ऊपर आए होते हैं ये भी जायज़ नहीं है। बाकी ये है कि इससे नीचे नीचे अगर उससे कुछ खूबसूरती पैदा हो जाए तो उसकी गुंजाइश। दूसरी बात यह है कि ये जो एक नज़र है कि दाढ़ी वाला खूबसूरत नहीं लगता और बड़े बालों वाली जो है वो खूबसूरत नहीं लगती, तो ये ख़ुद एक सेकुलर सोच है, मगरबी यानी तहजीब से मुतासर होने वाली सोच है। वरना मुसलमानों में तो यह है कि दाढ़ी वाला खूबसूरत है और लंबे बालों वाली खूबसूरत है। तो एक रिवायत भी है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात मुकर्रर की है कि जो मुस्तकिल ये तस्बीह पढ़ते हैं कि सुबहाना मन ज़य्यना रिजाला बिल्लुहा व निसा बिज़वाइब, कि दाढ़ी से अल्लाह ताला ने मर्दों को ज़ीनत दी है और लंबे बालों से औरतों को ज़ीनत दी है। तो असल ज़ाबता तो ये है, बाकी ये कि नज़र का फ़र्क होता है तो हुस्न कुछ का कुछ नज़र आता है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप रोज़ाना व्हाट्सएप पर शॉर्ट क्लिप हासिल करना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें 03072799169। शुक्रिया।